अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप सब। आज हम सुबह सुबह निकले घर से तकरीबन 6 बजे से पहले, तो हम आए हैं हैदराबाद में। कुछ काम थे, सबसे पहले तो हमें लाइसेंस ऑफिस में काम था, गाड़ी के लाइसेंस वगैरह कुछ बनवाने थे। तो अभी हम खड़े हुए हैं लाइसेंस ऑफिस के बाहर, 8:15 का टाइम है। वो कह रहे हैं कि 9 बजे से मतलब टाइमिंग स्टार्ट होगी उनकी, तो थोड़ा वेट कर रहे हैं। उसके बाद और भी थोड़े काम हैं, तो आगे बताते हैं फिर थोड़ी देर बाद। भाई ये जो पीछे रोड नज़र आ रहा है, ये जामशोरो की तरफ जाता है। जामशोरो रोड है हैदराबाद से जामशोरो की तरफ। और लास्ट टाइम हम 3 वीक्स पहले आए थे, यहाँ पे मेहरान यूनिवर्सिटी में MLC कॉन्फ्रेंस थी। वहाँ पर शेख आतिफ और YQB, ये इस तरह के बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स भी थे। वहाँ पर भी मैंने व्लॉग एक बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो MLC नेम से मेरा व्लॉग होगा, अकाउंट में ओपन करके देख सकते हैं। तो भाई हम लाइसेंस ऑफिस से फारिग हो गए हैं, लाइसेंस अपडेट करवाना था, थोड़ा सा हो गया है। अभी हम हैदराबाद में सदर में, ये सामने है बल्दिया आला मतलब म्यूनसिपल कमेटी, उसके बाहर ये सदर का इलाका है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में काम था, हमें सोलर वगैरह कुछ चाहिए था, तो अभी यहाँ पर खड़े हुए हैं। आगे देखते हैं अभी कहाँ जाते हैं, आपको फिर बताता हूँ मैं। एक और चीज़ आपको बताना मैं भूल गया कि हमारे चल रहे हैं यूनिवर्सिटी में मिड टर्म चल रहा है, और हम बाहर घूमने फिरने निकले हुए हैं। वैसे कल पेपर था फर्स्ट, वो दे के आया था, शाम को पता चला कि अगले 2 दिन छुट्टी है हमें, मतलब हमारे पेपर कैंसिल हो गए हैं, वो बाद में होंगे। तो उसका फ़ायदा उठा के, मतलब अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के फिर हम निकले हैं बाहर। अभी हैदराबाद थोड़ा सा घूम फिर रहे हैं। भाई गूगल साहब बता रहे हैं कि हैदराबाद में इस वक्त 36 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, गर्मी ज़्यादा है, और रात तक इंशाल्लाह थोड़ी गर्मी कम हो जाएगी। सुबह से घूम रहे हैं, बंदे को भूख भी लग जाती है, तो छोटी मोटी भूख मिटाने के लिए यहाँ अभी अंडा पराठा खाया है और चाय के 2 कप पिए हैं, तो पेट में रौनक हो गई है। भाई हम पहुँचे हैं गाड़ी खाता में, यहाँ पर शॉप के लिए कुछ सामान वगैरह लेना था पापा ने। देख सकते हैं अभी मार्केट सभी तक बंद है, टाइम आपके ऊपर से 11 बज रहे हैं। भाई थोड़ी जल्दी खोला करो मार्केटें। भाई हैदराबाद में तो गर्मी वैसे ही बहुत ज़्यादा है, पसीने से बुरा हाल हो गया है। बस गूगल बता रहा था कि गर्मी होगी बहुत ज़्यादा। भाई थोड़ा सा टाइम निकाल के, अभी हमने जोहर की नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ का टाइम हो गया था जोहर का, तो अभी पढ़ के निकले हैं। तो खाना भी खाना है दोपहर का, और फिर वापसी की भी तैयारी करनी है।
चलते हैं। मट्टी से गाड़ी इतनी गंदी हो गई है, इसको भी कपड़े से साफ करके झाड़ के तो हम वापस जा रहे हैं। फ्री हो गए हैं हम, हैदराबाद में सामान वगैरह ले लिए, मार्केटों से फ्री हो गए हैं, तो बस अभी वापसी का सफ़र शुरू होने वाला है। तो आपसे घर जाके मिलते हैं या रास्ते में आपको क्लिप्स दिखाते हैं थोड़े से। अभी हम हैदराबाद के अंदर ही मौजूद हैं और बारिश यहाँ पर भी शुरू हो चुकी है, तो अभी अल्लाह खैर करे हम खैरियत से घर पहुँचें। हाँ भाई, रात के 9:15 हो रहे हैं और हम अभी घर पहुँचे हैं। रास्ते में बारिश भी हो रही थी और हमारे आने से पहले यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। रास्ते में हमने देखा कीचड़ हर जगह बहुत ज़्यादा था, तो अभी हम घर पहुँचे हैं। तो आज का हमारा सफ़र इतना ही था, उम्मीद है कि आपने भी हमारे सफ़र को देख के इंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब करवाएं। भैया हमें 500 सब्सक्राइबर्स जल्दी करने हैं, अभी जल्दी। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।